हेलो। हाँ हेलो। हाँ धुन भाई का क्या हाल चाल। चलो बढ़िया। यार ट्रिप पे चलना है। हाँ कहाँ अभी हाँ बिल्कुल यार, अभी बस निकलते हैं घर से। अरे कहाँ जाएंगे? कहाँ? जन्नत। बट मैं अपनी KTM लेकर नहीं गया, और KTM दिखाने का मकसद आपकी अटेंशन लेना है। और अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, और हम जा रहे हैं जन्नत। और जन्नत जाने का परफेक्ट टाइम है 3 बजे, क्योंकि दोस्तों का प्लान कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम में बन जाता है। ठीक है, सो गाइस चलिए फिर चलते हैं। और मैं रेडी हो गया हूँ ऊपर से, बट मैंने शू नहीं पहने हैं, और शू पे तो हम दिखाएंगे अपना मैजिक। तो मैजिक पे ध्यान दीजिए और लाइक कीजिए। और ट्रिप में जाने से पहले थोड़ी सी पैकिंग और अपने कैमरा गेट्स, और चलिए फिर चलते हैं लोकेशन पर अपनी। सो गाइज चलिए फिर चलते हैं। और गाइज आज मैं नहीं ले जा रहा हूँ अपने साथ, अपनी ना बाइक ले जा रहा हूँ ना स्कूटी ले जा रहा हूँ, आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ। होप आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे को भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत दोस्त आने वाला है। ठीक है, सो गाइज चलिए फिर चलते हैं पैदल पैदल, और साइड ट्रैकिंग भी करेंगे। सो गाइज गाइज हम जा रहे हैं सुरकंडा देवी। और गाइज ये टेम्परेरी हेलमेट पहन का है मैंने, ऐसी बस पहन लिया, हेलमेट था नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं सुरकंडा देवी, जो कि पड़ता है धनौल्टी पे, यहाँ से 70 किलोमीटर के आसपास, और बज गए 3। और देखते हैं रात को, क्या पता अगर आने का होगा तो, हाँ 3:30 हो गया मतलब, तो अगर रात को आने का कुछ होता है तो देखते हैं, नहीं तो वहीं रुक जाएंगे कहीं पर, कोई झोपड़ी मिल जाएगी तो वहीं रुक जाएंगे, वो योग की कृपा। तो गाइस चलिए भी चलते हैं। और कितना फनी सा हेलमेट है, और इतना हल्का हेलमेट है ना गाइस, बहुत मस्त हेलमेट है। काम चलाओ सरकार, बस पुलिस वालों से बचने के लिए। और चलिए भी चलते हैं। आपको कुछ बोलना है भाई साहब? जय मास्टर बंट। ओके, ये भाई साहब कम ही बोलते हैं। तो चलिए भी चलते हैं। और आज हम जा रहे हैं व्हाइट कलर की एक्टिवा, तो तब तक आपको शॉट दिखाता हूँ। और अभी हम हैं माल देवता, और माल देवता के थोड़े ड्रोन शॉट आप ये देखिए। तो गाइज यहाँ से है 15 किलोमीटर के आसपास और है, और बहुत ज़्यादा लाइट अंधेरा हो गया है, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं करूँगा, और सीधे वहीं मिलते हैं सुरकंडा देवी पे। हेलो गाइज, हम पहुँच गए हैं अपने धनौल्टी पे। और गाइज अभी देखिए, अभी मौसम आपको दिखाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और मौसम बहुत ख़राब हो गया था, इस वजह से कुछ सूट नहीं करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। सो गाइज एक रूम ले गया हमने रेंट पे, बहुत सस्ता और टिकाऊ रूम है, और अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। और चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह ड्रोन शॉट के साथ। ठीक है, बस।
और गाइस फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ और मौसम यहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा है गाइस, बहुत ज़्यादा। अभी बज गए हैं सुबह के 10 और मौसम कुछ ऐसा है, ये देखिए कुछ ऐसा मौसम है। तो गाइस देखते हैं कहीं जाने का हो पाता है ऐसे में, क्योंकि बारिश भी आ रही है, वो आपको नहीं दिख रही होगी। तो अगर कुछ जगह मिलती है तो जाते हैं, नहीं तो सीधे हम बताएंगे मसूरी, तो होते हुए जाएंगे तो मसूरी घूम थोड़ा आपको दिखा दूंगा, ठीक है। सुबह चले भी चलते हैं। ओए तुम सब लोग रेडी हो गए? रेडी हो गए? नो, कहाँ रेडी, नहीं आ रहे क्या? नहीं जाना है क्या? वो मारो धक्का एक तो। सो गाइस ऐसे अनडिफाइंड ट्रिप पे आना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं रहता और एडवेंचर इतना नेक्स्ट लेवल रहता है कि आपको मजा भी, उस चीज़ की याद भी आपको सालों सालों तक आती है। तो कभी भी कभी ट्रिप बनना है आपका अनडिफाइंड, आपको पता नहीं है कि जाना कहाँ है, कैसे जाना है और कहाँ रुकना है, तो जाने में फ़ायदा है, क्योंकि क्योंकि हमारी हालत देखो। और ये पूरा यादगार सफ़र रहेगा हमारे लिए, क्यों भाई साहब? बिल्कुल वो साहब, हम अभी बैठे हैं, कौन सा महीना चल रहा है, मई का महीना, और यहाँ पड़ रही है कड़कड़ाती हुई ठंड। ठंड मतलब ऐसी सिचुएशन चल रही है कि मतलब यहाँ बर्फ भी पड़ सकती है, इतना ठंडा हो रहा है। गाइज इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और गाइज ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय। अब डांस करो एक बार, ये आहा आ ये ये